That's very true. मैं आपको सन 58 में ले जाता हूँ, जब अयूब खान ने अब्दुल लगाया था, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग वाला एक आम कारकुन जो राइज करता था पार्टी में, वो ख़त्म हो गया सिलसिला। उसके बाद ये पर्सनैलिटी कल्ट ओरिएंटेड जो है ना, ये पॉलिटिक्स आपके यहाँ स्टार्ट हुई है, जिसमें हर दौर में एक नई मुस्लिम लीग बनी, उसने खुद एक बनाई काउंसिल मुस्लिम लीग, फिर एक भुट्टो साहब ने इसको विद स्ट्रो का पेन ख़त्म कर दिया, दौलताना को बना के सफ़ीर इंग्लैंड भेज दिया, वो पार्टी ख़त्म हो गई, खान अब्दुल कयूम खान को होम मिनिस्टर बना दिया, वो ख़त्म हो गई, तीसरी पार्टी खुद ब खुद जान नहीं होती मुस्लिम लीग में कभी, फिर ज़ियाउल हक ने इसको दोबारा खड़ा किया और गैर आई वो जमाती इंतखाब करके कहा कि नाउ यू आर मुस्लिम लीग और जुनेजो को नॉमिनेट कर दिया, खुद ही उसको ख़त्म कर दिया। उसमें से उस गमले में जो नवाज शरीफ साहब उगे, वो बादशाह हैं, इनमें जमहूरियत नामी कोई चीज़ नहीं है। तीन दौर में इन्होंने कहा, मैं ब्रीफली आपको ये बताऊंगा, ये आज जो जो बातें कर रहे हैं ना कि मुल्क में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पानी का पानी ये करना चाह रहे हैं, इनसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इन चार साल में इन्होंने क्या किया? कहते हैं हमने अंदर नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में यही तो किया था जिसको आपने डॉन बना दिया। इन्होंने चार साल फॉरेन मिनिस्टर ने अपॉइंट किया, उसका नतीजा ये हुआ, बिकॉज फॉरेन मिनिस्ट्री इज वन, आप रेलवे मिनिस्टर ना लगाए ना रेलवे चलती रहेगी, फॉरेन मिनिस्टर ना लगाएं, एवरी डे दुनिया में कुछ हो रहा है जिसमें आपका एक स्टांस लेना जरूरी है, आपने वो नहीं लिया, इंडिया उसमें इतनी लीड ले गया, उसने दुनिया में जहां जाके आपसे कहा कि ये टेररिस्ट हैं, ये हैं, ये वो हैं। नवाज शरीफ ने ना तो प्राइम मिनिस्टर बन के उसकी कंडेमनेशन की, ना इनकी गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना उसको काउंटर किया। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कहा ना कि ये पर्सनल लेवल पे सारा कुछ इनका आता है, ये तीन बड़े पॉलिटिकल लीडर अब तक रहे हैं जिनकी हुकूमत में कुछ सह रही है, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो यहाँ पे जो आई थी, उनको 97 में जब निकाला लगारी साहब ने, उसके एक महीने बाद शी राइट्स टू दी सेनेटर्स इन यूएसए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड बंद की जाए, तो आप किस पर यकीन करें? अल्ताफ हुसैन जब तक यहाँ पे कराची में पावरफुल रहता है, ही इज फॉर पाकिस्तान, द मोमेंट आप वो विड्रॉ करते हैं, ही वाज नेवर फॉर पाकिस्तान, आई थिंक ही वाज नेवर फॉर पाकिस्तान। तो आपका एक आम आदमी टुडे वो कंफ्यूज है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम किस किस्म के लीडर पैदा कर रहा है, जिनको आप गद्दार कहें तो बुरी बात है कि जी आपने एक प्राइम मिनिस्टर तीन दफा रखा है, आज वो एंटी स्टेट वो दे रहा है। ये मैं आपको हिटलर की एक पॉलिसी की बताता हूँ, उसने इन्फॉर्मेशन पॉलिसी बनाई थी, उसने कहा आपने जो लिखना है कहें, जो बोलना है रेडियो बोले, टीवी होता नहीं था, लेकिन अगर आपकी किसी भी बात से जर्मनी एम्बेरस हुआ या उस पर बुरा नाम आया, मैं लटका दूंगा आपको। पाकिस्तान इज बीइंग एम्बेरस।